यहाँ मुझे आके इतना अच्छा लगा, मेरा जाने का मन ही नहीं करता। मतलब भोले बाबा खींच लेते हैं। खींच लिया उन्होंने। अहम शिवा शिव सचायम एवं शिव ही। महादेव कहते हैं मैं शिव हूँ, तुम शिव हो, ये सब शिव हैं। अरे महादेव। यहाँ से आपको पूरे के पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्शन हो जाते हैं। अभी हम खड़े हैं कैलाश की सीढ़ियों पर, क्योंकि मेरे आगे है माँ गंगा और पीछे है काशी विश्वनाथ, और ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आज में जब मैं देख रहा हूं तो लग रहा है कि कोई नया यहाँ कीर्तिमान बना है, पूरा मामला फिट कर दिया। मैं तो मुसलमान हूँ, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। यूपी का मुख्यमंत्री मंदिर में आकर के सीमेंट पत्थर बराबर चेक कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस स्वप्न को हकीकत के धरातल पर उतारने का काम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। भैया वो तो अपने घर के आदमी है, घर के आदमी की प्रशंसा नहीं की जाती। तीन मालिक है जैसे त्रिशूल है ना, भोले बाबा, योगी, मोदी। इसके पहले काफी भीड़ रहता था, हम भोले बाबा का नाम लेके नीचे सिर करके चले जाते थे, लेकिन अब हाथ फैला के आते हैं। तो आप तो कांग्रेस वाले ठहरे, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे भाजपा राज में कुछ बदला है कि नहीं बदला? नहीं नहीं, बदलाव तो हुआ है, तो है उसको बोलने में कोई बुराई नहीं है। काशी विश्वनाथ एक नंबर बन गया। हर हर महादेव। मजा आया दर्शन करके? हाँ बहुत मजा आया। जन जन के बाला है, बाबा जी सहारा है। वैसे कहो कुछ भी यार, इस कॉरिडोर में घूमने का मजा तो अलग ही है। जय हो योगी जी, मोदी जी, मोदी जी, कॉरिडोर बनाए ये मोदी जी। अरे योगी जी का महिमा अपार बाड़े, ये देखा ये काशी विश्वनाथ बाड़े। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भोलेनाथ के दर्शन करने जाना हो तो वहाँ जाने के वैसे तो कई रास्ते हैं, लेकिन सबसे अहम रास्ता है गदौलिया चौराहे से सीधा गेट नंबर 4। और गदौलिया चौराहे पर पहुँचने पर अगर आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का रास्ता समझ ना आए तो वहाँ बने नंदी महाराज का मुख जिस ओर है, बस उसी ओर बाबा विश्वनाथ का धाम है। गेट नंबर 4 की तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं। यहाँ का अगर आप रास्ता देखोगे तो ये सड़कें पहले से काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो चुकी हैं, कंक्रीट के रोड बन चुके हैं। यहाँ पर पहले रश बहुत ज़्यादा रहता था और काफ़ी ऊबड़ खाबड़ सड़कें हुआ करती थी, और इन सड़कों से गुजरने पर श्रद्धालुओं को काफ़ी तरह की दिक्कतें भी होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। अब आप बढ़िया सी सड़क से होते हुए आधा एक किलोमीटर चलिए और बाबा विश्वनाथ के धाम पहुँच जाइए। यहाँ पर जगह का चौड़ीकरण तो हुआ ही है, लेकिन उसके साथ साथ सौंदर्यीकरण भी किया गया है। अगर आप ऊपर देखेंगे ना तो लाइट्स वगैरह सब चीज़ें, पोल्स देखिए आप, सब चीज़ें इतनी अच्छी लगाई गई हैं कि आपको लगता है कि आप किसी अच्छी जगह पर खड़े हैं। जहाँ भोलेनाथ है वहीं रुद्राक्ष है। तो अभी हम गदौलिया चौराहे से चलकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 पर पहुंच गए हैं, और यही वो द्वार है जहां से होते हुए ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने मंदिर परिसर के अंदर जाते हैं। और काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी भोलेनाथ के त्रिशूल पे टिकी है, तो उसी को दर्शाते हुए बाबा भोलेनाथ का एक त्रिशूल भी गेट नंबर 4 पर लगाया गया है। अभी हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में एंटर हुए हैं। ये बड़ा सा द्वार देख रहे हैं, इसको कहते हैं भैरव द्वार। ये गेट नंबर 1 है जिसके जरिए भक्तगण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में एंटर करते हैं। ये जो भैरव द्वार है ये खुलता है घाट की तरफ, जहां गंगा मैया में भक्त स्नान करते हैं और वहां से गंगा जल भरते हैं, और गंगा जल लेकर सीधे जाते हैं मंदिर परिसर की तरफ, जहां काशी विश्वनाथ में वो बाबा के दर्शन करते हैं और जल चढ़ाते हैं। यानी यहां से जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो बिल्कुल सीधा है और महज 500 मीटर की दूरी पर है।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तीन परिसरों में बटा हुआ है। पहला परिसर ये है जो बिल्कुल भैरव द्वार के पास है, जहां अभी हम खड़े हुए हैं। दूसरा परिसर है शंकराचार्य चौक और तीसरा है मेन मंदिर परिसर, जहां पर बाबा विश्वनाथ स्वयं विराजमान है। तो अभी हम इन सभी परिसरों को देखेंगे और देखेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या क्या बन चुका है। यार मुझे तो बहुत थ्रिलिंग फील हो रहा है, आपको भी दिखाते हैं क्या क्या है। हम अब पहुँच गए हैं गंगा दर्शनम। आइए बैठिए, गंगा को निहारिए और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। यहाँ बैंक्स बने हुए हैं, यहीं पर पुराने मंदिर हैं उनको भी प्रिजर्व करके रखा गया है। ये एक मेरे सामने जगह है जिसे बोलते हैं त्र्यंबकेश्वर मल्टीपर्पस हॉल। इस हॉल का काम है कि यहाँ पर मैरिज पार्टीज होती हैं, रिसेप्शंस होती हैं, किसी भी तरह का कोई फंक्शन हो तो आदमी आए यहाँ पर बुकिंग करे और यहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में वो आकर अपना कोई भी फैमिली फंक्शन भी कर सकता है। काशी के बारे में कहने के लिए तो शब्द ही भाई साहब बहुत कम होंगे। हाँ। क्योंकि दुनिया के इतिहासकारों के पास काशी का इतिहास तो बिल्कुल नहीं। ज्यादातर यहाँ जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो ज्यादातर सीनियर सिटीजन होते हैं। इन पतली पतली गलियों में आना उनको एक शारीरिक कष्ट होना, और साथ ही साथ जो सकरी गलियां, चूंकि आबादी भी इन्हीं गलियों में रहती है, तो अब एक तरफ से वो आ रहे हैं, एक तरफ से आबादी है, और साथ में जो दुकानदार हैं, ऐसे में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था लोगों को। ये जो भव्य कॉरिडोर बना, इससे समझ लीजिए कि इतनी सुविधा हो गई। पहले यहाँ यज्ञ हवन कराने के लिए काफ़ी असुविधा होती थी, जगह ही नहीं थी, किसी भी तरीके से इनकेन प्रकरण हुआ करता था। अब इतना लंबा चौड़ा कॉरिडोर हो जाने की वजह से इसमें हवन हुआ, मुंडन हुआ, शादी विवाह के भी और तमाम भी कार्यक्रम, और साथ ही साथ जो बाहर से लोग आ रहे थे जिनको दिक्कत होती थी काफी आने जाने में, अब एक देखिए जल मार्ग का भी एक साधन सुलभ हो गया कि आदमी वहाँ स्नान किया, स्नान करके डायरेक्ट मंदिर में आ गया। जिसको लाइन से दर्शन करना है वो लाइन से करे, जिसको टिकट लेके VIP करना है उसकी भी सुविधा है, सारी चीज़ों की लगभग सुविधा है। ये बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रयास योगी जी, उनका भी प्रयास कमतर नहीं था। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि यूपी का मुख्यमंत्री मंदिर में आकर के सीमेंट पत्थर बराबर चेक कर रहा है। पहले तो हम लोग को समझ ही में नहीं आता था कि मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं, लेकिन काफी सालों बाद तो समझ में जब ये बन रहा था तब लगातार सीमेंट से लेकर पत्थर तक चेक कर, और ऐसा वो एक दो बार चार बार दस बार नहीं किए हैं। अच्छा, हफ्ते दस दिन में उनका हमेशा विजिट रहा है, और बराबर मतलब अगर उनको शंका हो जाए तो मसालों को भी ऐसे पैर से रगड़ के देखते थे। तो हम लोगों को तो शुरू में समझ में ही नहीं आया कि आखिर कर क्या रहे हैं, लेकिन ये बाद में समझ में आया कि जो प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है विश्वनाथ धाम, इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ सामान न लग जाए, या जैसे पूर्व में होता रहा विद एविडेंस, बाबा के धाम में एक नंबर सामान लगना चाहिए, इसका भी पूरा ख्याल, पूरा ख्याल रखा गया है, ये आंखों से देखा गया। अच्छा, यह हम ही ने नहीं, हजारों हजार लोगों ने देखा है जितने लोग यहाँ रहते हैं। और आपसे ईमानदारी से बताऊं कि इस शहर के बहुत ऐसे लड़के जिनको हम लोग जानते हैं, जो कि सिवाय बदमाशी और गुंडई के कुछ नहीं करते थे, अब वो भी काम में लग गए हैं। कोई किसी को दर्शन कराने ले आ रहा है, कोई बुकिंग करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई खिलाने पिलाने ले जा रहा है, कोई होटल में रुकवा रहा है, तो इस बहाने वो 2 रुपया कमा भी रहा है। तो रोजगार और सेवा के साधन खुल गए हैं निश्चित रूप से, इसमें दो राय नहीं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। यहाँ पर बहुत से घर हुआ करते थे, लगभग 200 से 300 घर, जिनको बाद में अधिग्रहण जिनका किया गया, और उसके बाद ही ये पूरा रास्ता बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर इन घरों में कई प्राचीन मंदिर भी थे, क्योंकि बनारस बहुत पुराना शहर है। उन्हीं में से एक ये मंदिर है, अगर आप मेरे सामने देखेंगे, इसे पंच पांडव मंदिर कहा जाता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आए हैं तो इन महान मूर्ति के दर्शन करने तो बनते हैं। ये है महारानी अहिल्याबाई होलकर जी। 17वीं शताब्दी में मुगल आक्रांता औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने ही दोबारा से काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और उसी दौरान यानी 1850 के आसपास महाराजा रणजीत सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ऊपर का परिसर है उसके लिए 1 टन सोना दान में दिया था। 20 साल पहले आए थे, कुछ नहीं था यहाँ पर। आज देखो तो बड़ा खुश हो गया दिल, काशी विश्वनाथ एक नंबर बन गया, बहुत मजा आ गया। मजा आया दर्शन करके? हाँ, बहुत मजा आया, चंदन के माला है, बाबा जी सहारा है। इस कॉरिडोर का ये जो पहला परिसर है, इसमें हर चीज का ख्याल रखा गया, हर चीज माने हर चीज। जब इतने बड़े कॉरिडोर में भक्त घंटों घूमते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, तो थोड़ी बहुत भूख तो लगी जाती है, तो उसका प्रबंध भी यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर कई मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पर लोग आते हैं, भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और बाबा का प्रसाद भी चखते हैं।
यार कहो कुछ भी, खाने का पूरा प्रबंध कर रखा है। खाना क्या है ये बताओ, हर तरह का खाना यहाँ पे मौजूद है और लोग देखो मजे लेके खाना खा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से क्या फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ, पर्यटक बढ़े हैं और लोगों के मन में आस्थाएं, विश्वास जगह है और लोग आते हैं दूर दूर से, देश दुनिया से आते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं विदेशों से आते हैं, NRI आते हैं, फॉरेनर आते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये है चंद्रगुप्तेश्वर मंदिर। इसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद बनवाया था। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित बाहों में भागम। ऐसे मुख्यमंत्री बताइए कि जो बाबा के दरबार में हर महीने में 2-3 बार आए, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो अभी हमने आपको दिखाया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का परिसर नंबर 1, जो गंगा घाट की तरफ से शुरू होता है। यहाँ बहुत सी मस्त चीज़ें थी जो आपने देखी। इसके अलावा अब हम चल रहे हैं दूसरे परिसर की तरफ, जिसे कहते हैं शंकराचार्य चौक। यहाँ भी बहुत मस्त चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। मेरा तो दिल भैया धक धक करना शुरू कर चुका है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ का धाम करीब आते जा रहा है। आइए आपको दिखाएं। तो अभी हम पहुंच गए हैं बाबा विश्वनाथ के और करीब। ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दूसरा परिसर, जिसे कहते हैं शंकराचार्य चौक। यहाँ मुझे आके इतना अच्छा लगा, मेरा जाने का मन ही नहीं करता, मैं घर चला जाऊँ। सच तो ये, तो मतलब भोले बाबा खींच लेते हैं। खींच लिया उन्होंने। तो गंगा मैया से स्नान करके जब आप भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, आप किसी तरह की कोई दिक्कत आती है पहले? कोई दिक्कत नहीं आती, बड़ी आराम से दर्शन होते हैं, आराम से दर्शन हो जाते हैं। योगी सरकार काम कर रही है और ठीक कर रही है, संत हैं योगी जी हमारे, और हम भी हर हर महादेव करते हैं। और इस सरकार को भी भोलेनाथ ने ही बुलाया, माँ गंगा ने बुलाया, वैसे आ ही नहीं पाते। यहाँ पर जितने भी आप पीछे ये जगह देख रहे हैं, ये सब दुकानों के लिए प्रिजर्व है, यानी ये एक तरह का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर अलग अलग चीज़ों की दुकानें भी खुली हुई हैं। यहाँ पर ना सिर्फ आप साड़ी खरीद सकते हैं, बल्कि बनारसी साड़ी का जो ट्रेडिशन है उसको भी प्रिजर्व किया गया है। यहाँ पर लाइव बनारसी साड़ी बनाई भी जाती है, यानी ये जो जगह है भैया, यहाँ पर आकर भक्त बाबा भोलेनाथ की भक्ति के साथ साथ बनारस की ट्रेडिशनल शॉपिंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कारीगर बैठे हैं जो बनारस की हैंडमेड साड़ी बनाते हैं, यानी कि यहाँ पर बनारस की जो संस्कृति है, बनारस का जो पुराना एम्पोरियो है, उसको भी संवारने और संभालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बन गया है, बनारसी साड़ियाँ वाड़ियाँ मिल रही हैं। देखिए आप लेनी है, अब जाएंगे वहाँ। अच्छा अभी आप जाएंगे, पहले बाबा विश्वनाथ, बाकी सब बिल्कुल बाकी सब बात। कहाँ से आए हैं आप? राजसमंद राजस्थान। अच्छा आप राजस्थान से आए हैं? ये पार्षद है वहाँ। अच्छा आप पार्षद हैं, बहुत ही बढ़िया। श्रीनाथ जी ना द्वारा। अच्छा अच्छा, तो अब आप तो कांग्रेस वाले ठहरे, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे भाजपा राज में कुछ बदला है कि नहीं बदला? नहीं नहीं, बदलाव तो हुआ है, जो दिख रहा है वो है। ये जो जगह है इसे बोलते हैं व्यूइंग गैलरी। इसका एक जो गैलरी का सिरा है वो खुलता है ललिता घाट की तरफ, यानी गंगा जी की तरफ। यहाँ से लोग आते हुए आप देख सकते हैं, गंगा जी को निहार सकते हैं। और इसका जो दूसरा सिरा है वो खुलता है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। यहाँ से अगर आप देखेंगे सीधे महाकाल के दर्शन होते हैं, यानी गर्भगृह के दर्शन आप यहाँ से सीधे कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम सीढ़ियाँ थोड़ा नीचे की तरफ उतरेंगे तो सामने बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन मंदिर जाने के लिए यहाँ पर आपको पहले अपने पर्स, मोबाइल, जूते वगैरह जमा करवाने पड़ते हैं, और उसकी सुविधा भी आपको यहाँ पर दी गई है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी लोग यहाँ पर अपने सारे सामान निश्चिंत होकर जमा करवा कर बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। बस एक ही नुकसान है, आप रील नहीं बना सकते। आते ही जो वाइब मेरे को मिली ना यहाँ पे आके, जो शांति वाइब, एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोग सिर्फ मंदिरों में जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, हम लोग को पता नहीं मंदिरों में जाके करना क्या है। तो ये जो मोबाइल बाहर रखवा दिए जाते हैं, बढ़िया है ना? बहुत सही है वो तो। मैं तो बोल, ये तो मेरे को चल चल कर रहा था, हम आधा घंटा अंदर बैठे थे, निकलने का मन नहीं होता। बहुत सही है, उज्जैन महाकाल से मिलते हुए नजर आ रहा है थोड़ा, वो उधर जैसे आपने देखा होगा उज्जैन में जैसा। अरे महादेव, आनंद आया? हाँ बिल्कुल आनंद आया। जगह है कहीं विश्व में कहीं और? कहीं नहीं, एक तो व्यवस्थित व्यवस्था पूरी की पूरी। और सबसे बड़ी बात ये कि हर चीज हम तरीके से अब देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अच्छा। पहले ऐसा नहीं होता था, पूरा मामला फिट कर दिया। और अब कहीं भी कोई काम होता है तो बोला जाता है कि हमें तो योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। हम यही रहने वाले हैं तो हमें तो भैया जितनी खुशी मिलती है उतनी किसी को नहीं मिलती। क्या बात है। इसके पहले काफी
भीड़ रहता था, चूंकि हम बनारसवासी भीड़ के आदि हैं तो हमारे सेहत पे तो कोई फर्क, हम भोले बाबा का नाम लेके नीचे सिर करके चले जाते थे, लेकिन अब हाथ फैला के आते हैं। क्या बात है। तो ये जो हाथ फैलाने का सुख मिल रहा है, हाँ। इसके पीछे किसको वजह मानते हैं? पहला तो भोले बाबा का प्रसाद है, दूसरा हमारे मोदी जी, योगी जी। भैया वो तो अपने घर के आदमी है, घर के आदमी की प्रशंसा नहीं की जाती, घर के आदमी की प्रशंसा नहीं की जाती। क्या बात है। या उनकी जिम्मेदारी और हमारा नैतिक ड्यूटी है कि उनको सपोर्ट करें, और मालिक के लिए कोई वो नहीं है, तीन मालिक हैं जैसे त्रिशूल है ना, भोले बाबा, योगी, मोदी। तो अभी मैं खड़ा हूँ काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पे, जो गर्भगृह परिसर का पहला द्वार है। यहीं से लोग अंदर जाते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। कितनी ठंडी हवा अंदर से आ रही है, आप भी महसूस करिए। आपको पता है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बना था तब काशी विश्वनाथ मंदिर का कुल एरिया 30,000 स्क्वायर फीट का था, और जब ये पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ तो ये एरिया हो गया 5,00,000 स्क्वायर फीट। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर किसी को पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर घूमना है तो उसको कितना वक्त चाहिए और कितनी एनर्जी। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं। ये वही गलियां हैं जो कॉरिडोर बनने से पहले यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोकल लोग भी होंगे जो यहीं पर सालों से रह रहे होंगे, उनसे भी पूछते हैं कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद उनकी लाइफ में क्या बदला है। मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा अच्छा। नाम बारिश अहमद सिद्दीकी अच्छा। है, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। ओके जी, योगी सरकार के अंदर में काम बहुत अच्छा हुआ है। जैसे कि रात बिरात हम लोग आ रहे थे इधर उधर तो डर लग रही थी, घाट पे नहीं आ पा रहे थे, आप एकदम बेफिक्र होकर घाट पे आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जातिवाद कुछ नहीं है। और तो मैं देखिए मेरा घर भी इधर ही है, मैं मंदिर के बीच में टहलता हूँ, घूमता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और पता नहीं कहाँ जातिवाद वाली बात होती है, वो समझे अपना। चलिए आइए आगे चलते हैं और बाकी से ही पूछते हैं। काका जय सी आराम। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ, खुशबू अच्छी है। इत्र का काम है आपका? हाँ, इत्र का है। अच्छा ये बताइए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, हाँ। इससे कोई इत्र की खुशबू फैली गलियों में कि नहीं? हाँ, फैली भाई, फैल रही है। हाँ? हाँ, फैली और फैल रही, पहले से अच्छा है। इससे बिजनेस में कोई फर्क पड़ा कि नहीं? हाँ, अब तो पड़ा है, जब से बन गया चालू हो गया पड़ा, काफी पड़ा, व्यापार बढ़े पहले से, कॉरिडोर बनने से तो फायदा ही है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ तो टूट फूट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लोग यार में देखो पहले तो मकान बेच दिए, अब बार सरकार गाली दे रहे, पहले पैसा भी देखा ना, उसमें मर गए सब गलत कह रहे बताओ, तो अब गाली दे रहे सरकार को, जब वहाँ बंटवारा हो गया पैसे का, तो सरकार गलती सुनो यार, खुले अपना मकान तो बेचे जा जाके, मुआवजा दिया तभी तो गए सब। चाचा दादा झोपड़ी नहीं खाली करा पा सरकार, और ये तो पूरा चार मोहल्ला चले गए यहाँ से। बाबा तो हमारा बाबा, वो तो एकदम फकीर है, वाकई में सही बात कह रहे हो, तो फकीर भाई, वो तो राजा आदमी है, तो मतलब नहीं की चीज़ है, खाली उसको काम कराना है, 5 साल में कोई नहीं करा पाता ये काम, तोड़वा के बनवाना मामूली काम नहीं है, इतना बनना कॉरिडोर 5 साल के अंदर, तोड़ के मकान, मैदान में तो सब बना देंगे लेकिन मकान तोड़ गिरा के कोई नहीं बना सकते जल्दी, सब एकदम अपने आप खुशी में गए सब यार, खाली कर गए, जबरदस्ती नहीं किसी से, बढ़ेंगे हमारे आपके पास। क्या बात है यार, आए तो थे हम बात करने लेकिन बाबा ने इतना बढ़िया लगा दिया कि मन गार्डन गार्डन हो गया। तो भैया हम लोग नीलकंठ गली में हैं, हमने आपको दिखाया, लोगों से बात की, लोगों से पूछा भी काशी बदल रही है, कितनी बदली है और इस बदलाव से वो कितने खुश है, तो आपने जवाब सुन लिया और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दिन में तो हमने आपको दिखाया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कितना भव्य दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही यहाँ शाम होती है बाबा का ये दरबार और भव्य दिखाई देने लगता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कैसा लगा आपको? अति सुंदर। किसी ऐसे राजनीतिक में शक्ति नहीं थी कि जो इतना प्रभावशाली वैभव हमें हमारी संस्कृति लौटाने में जो योगदान दे रहे हैं, और प्लस हमारे देश को ये ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि उनको धन्यवाद। जी बाबा, आप भी कुछ बता रहे थे, कौन सा भंडारा खाए? वैसे खाने वाले भंडारा ही खाने वाले लग रहे हैं आप। नहीं नहीं, अन्नपूर्णा माता का भंडारा। अन्नपूर्णा माता का भंडारा पूरा लगा है, वैसे ऐसी बात नहीं है। हाँ, पूरा लगा। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हर शिव भक्त का दिल धक धक करता है, और अब हम यहाँ हैं, आप भी देख लीजिए, ये है भव्य काशी का काशी विश्वनाथ मंदिर।
तो हमने आपको दिखाया भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और साथ ही आपको दर्शन करवाए बाबा विश्वनाथ के। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हमने पूरा दिन बिताया, दिन से लेकर रात तक यहाँ पर क्या क्या बदला है हमने आपको सब कुछ दिखाया। और अगर आपको ये बदलाव पसंद आया हो तो एक बार वाराणसी आइए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आइए और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना मत भूलिएगा।